आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेंट और कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक फिजिशियन मुजम्मिल एहसान। आज मैं जो है आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ और वो टॉपिक है स्किन बूस्टिंग, जो कि आप लोगों की स्किन डैमेज हो गई है उससे रिलेटेड जो है मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ आज। तो आपकी स्किन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है आपको इस वीडियो में तमाम का सलूशन बआसानी मिल जाएगा। तो जी गाइस, आप जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों का एक कॉन्सेप्ट है कलर वाइटनिंग का, कॉम्प्लेक्शन उनका वाइट होना चाहिए। और उनको सबसे ज़्यादा वो इस टाइम जो यूज़ कर रहे हैं वो मार्केटिंग क्रीम्स हैं। ये मार्केटिंग जो क्रीम्स हैं इसके अंदर मर्करी और सबसे ज़्यादा स्टेरॉइड और हार्मफुल केमिकल मौजूद हैं, जो आपकी स्किन को ना सिर्फ डैमेज कर रही है बल्कि आपको जितने भी मलासमा हैं, जो भी आपकी स्किन टोन है, एक्नी है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं सब इस क्रीमों और सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट कर रही है वो है ब्लीचिंग। ब्लीच जो है वो आपकी स्किन को बर्न करती है। वक्ती तौर पर तो आपको ऐसा फील होता है कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रही है, बट ये ब्राइट नहीं होती, ये आपकी स्किन को डैमेज करती है। डैमेज कैसे करती है कि जब आप इसको यूज़ करते हैं डिफरेंट पाउडर्स ऐड करके, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर केमिकल ऐड किए जाते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन बर्न हो जाती है। जैसे जैसे 2-3 डेज बाद इसका असर ख़त्म होता है तो आपकी स्किन के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है छाइयाँ और एक्नी और सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा है ईवन टून का हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले सवाल आता है कि हम अपनी स्किन पे क्या ऐसा यूज़ करें जिससे हमारी स्किन जो है वो ब्राइट लगे। तो ब्राइट लगनी चाहिए, गोरा लगने की तरफ आपने नहीं जाना। क्यों? क्योंकि स्किन जितनी भी ग्लो करेगी वो उतनी खूबसूरत लगेगी। तो ये पॉसिबल है कि आपकी स्किन जो है वो वाइट हो सकती है, ग्लो कर सकती है और सबसे ज़्यादा जो है आपकी स्किन लाइटनिंग की तरफ हम जाएंगे आपको लेकर। तो गोरा होना काम नहीं है। अब अक्सर आप देखें कि कुछ जो है हमारी मेल्स एंड फीमेल्स उनके कलर बहुत ब्राइट है बट उनके अंदर हेल्दी स्किन उनकी नहीं है। हेल्दी ना होने की वजह क्या है कि वो अपनी स्किन की केयर नहीं करते। तो हमें सबसे पहले अपनी स्किन की केयर एंड क्योर करनी है। किस तरह से केयर एंड क्योर की जाती है? वो इस तरह से की जाती है कि हमें अपनी रूटीन बनानी है। रूटीन हमें किस तरह से बनानी है? CTM से। अब ये CTM क्या होता है? CTM होता है क्लिनजिंग, टॉनिंग और मॉइस्चराइजिंग। अब इतना कुछ जो है आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप जो है बहुत अच्छा सा एक सोप ले सकते हैं, सोप आपकी क्लिनजिंग करेगा, या कोई भी आप अच्छा फेस वॉश भी ले सकते हैं जो आपके फेस को क्लिनजर करेगा। उसके बाद आप टॉनिंग की तरफ आ जाएंगे। टॉनिंग किस तरह आपकी स्किन करेगी? उसको आप होममेड भी बना सकते हैं और इसके अलावा आप मार्केट से भी कोई अच्छा सा टोनर ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मॉइस्चराइजिंग। तो मॉइस्चराइजिंग के लिए ज़रूरी है कि आप अपना सनब्लॉक ऐसा चूज करें जो आपके फेस को सन टैन से भी सेव रखे और इसके साथ आपकी स्किन की जो लेयर्स हैं उनको डैमेज होने से सेव कर सके। तो जब आप ये तीन चीज़ें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो आपकी स्किन कभी भी डल की तरफ नहीं जाएगी। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने CTM पे अपना जो है ध्यान देना है ताकि आप इसको अपनी रूटीन में शामिल कर लें। और इसके बाद आपने अपनी डलनेस को रिमूव करने के लिए सीरम्स यूज़ करने हैं और सीरम वो वाले यूज़ करने हैं जिसमें विटामिन बी हो और जो रेटिनॉल है। इस तरह के सीरम्स आपने यूज़ करने हैं। कोई भी प्रोडक्ट आपने खुद से तैयार नहीं करनी, जो अक्सर आप देखते हैं कि लोगों ने घर में तैयार की होती है कुछ ना कुछ ऐड करके, जैसा कि उनको मालूम तो होता नहीं है बट उसको ऐड करके वो बना लेते हैं। उससे आपकी स्किन जो होती है वो ऑटोमेटिकली डैमेज होती है क्लीन होने के की बजाय। तो आपने क्या करना है? आपने अपना सीरम जो है अपने डर्माटोलॉजिस्ट से रिकमेंडेड यूज़ करना है। और सबसे बड़ी बात, आपने जिस टाइम रात को नाइट में सोना है, मेल है या फीमेल है, तो आपने उस सीरम यूज़ करना है। सीरम जो है आपने वाइटनिंग सीरम यूज़ करना है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपको अपनी जो है स्किन केयर वो डाइट से स्टार्ट करनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी डाइट होगी उतना अच्छा ही आपके स्किन का
कलर होगा, स्किन का कलर अच्छा होता है क्योंकि उसमें फाइबर होते हैं, विटामिन होते हैं जो कि आपकी स्किन को ग्लो देते हैं। जब स्किन ग्लो करेगी तो ऑटोमेटिकली आप खूबसूरत खुद ब खुद लगेंगे। तो आप नट्स यूज कर सकते हैं, आप वेजिटेबल यूज कर सकते हैं, इसके अलावा आप जो है विटामिन ई जिन फ्रूट्स में है उसको यूज करें। अच्छा, शुगर जो है, शुगर का इंटेक कम रखें, पानी का इंटेक बहुत ज्यादा रखें, क्योंकि पानी जो है वो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लो देती है। आपने जो है सारा टाइम में 8 ग्लास जो है पानी के वो पीना है, वो हर इंसान को पता है, लेकिन अमल कोई भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता। लेकिन आप एक वाटर बॉटल रखें, उसको डेली रूटीन में अपनी शामिल करें और उसको जो है डेली में यूज करें। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है कि अगर अब आप यूज क्या करें, मतलब कि हमारी स्किन को क्लींजिंग की भी जरूरत है, ये तो आपकी अपनी रूटीन हो गई, तो आपने अब क्या करना है। तो सबसे बेस्ट जो फार्मूला है वो ब्लीचिंग नहीं है, आप अपनी स्किन की माइक्रोनीडलिंग करवा सकते हैं। माइक्रोनीडलिंग कैसे की जाती है? माइक्रोनीडलिंग से आपकी स्किन के ऊपर जो डस्ट और डल लेयर है वो रिमूव हो जाती है। सेकेंड आपने क्या करना है, सेकेंड आपने डीप क्लींजर कराना है, जो कि आजकल बहुत फेमस है, हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा फेशियल जो है वो पॉलर्स में भी हो रहा है, लेकिन उसका बिल्कुल भी आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सीरम्स वो क्या यूज करें वो आपको पता ही नहीं है। तो इसके लिए सीरम्स आपके पास बहुत अच्छे होने चाहिए। हमेशा अपनी स्किन जो है आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, मेन जुज़ है, जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। आपकी पूरी बॉडी का टेक्सचर जो है आपकी स्किन पर है, जितनी अच्छी आपकी स्किन होगी उतनी अच्छी आपकी पर्सनैलिटी होगी। तो कभी भी स्किन के मामले में आपने किसी भी पॉलर से रब्ता नहीं करना, कभी भी किसी भी पॉलर वाली से जाके आपने अपनी स्किन को खराब नहीं करवाना। आपने हमेशा सीरम जो है वो अपने डर्माटोलॉजिस्ट से रुजू करना है, ताकि वो आपको बता सके, आपको आगाह कर सके कि आपकी स्किन के ऊपर कौन सी चीज जो है सूटेबल करेगी। तो आप करवा सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर माइक्रोनीडलिंग, डीप क्लींजर करवा सकते हैं। केमिकल पील की जाती है, और केमिकल पील क्यों की जाती है वो आपकी स्किन को देख के उसके हिसाब से की जाती है कि आपकी स्किन टोन किस कलर की है, इसको किस टोन में हमने लेकर जाना है, और किस हद तक इसको नीट करना है। इसके सेक्शन बनाए जाते हैं, सेक्शन इसलिए ही बनाए जाते हैं ताकि आपको डबल टोन ना हो, इवन टोन ना हो, एक्नी प्रॉब्लम ना हो। पार्ट बाय पार्ट आप जाएं और अपना जो है ट्रीटमेंट करवाएं। इससे ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वर्क करता है ये ट्रीटमेंट, लेकिन ये ट्रीटमेंट आपको बगैर किसी नुकसान के काफी अरसे तक आपके कलर को बेहतरीन रखता है। अच्छा, केमिकल पील कराने के बाद या डीप क्लींजर करवाने के बाद, माइक्रोनीडलिंग और सबसे ज्यादा एडवांस लेजर करवाने के बाद बात आ जाती है इसके बाद मेंटेनिंग की। इसको मेंटेन कैसे किया जाता है? तो इसको मेंटेन जो है आप अपनी मेंटेनिंग के लिए सीरम्स होते हैं और क्रीम्स होती हैं, और वो आपकी डर्माटोलॉजिस्ट आपको रिकमेंडेड करती हैं कि आपको किस हद तक और किस मकदार तक इसको यूज करना है। क्योंकि जब आप बेस वगैरह, और मेजॉरिटी जो गर्ल्स हैं वो जॉब करती हैं, तो वो जो है अपने फेस पे बेस यूज करती हैं, आप ये भी अपनी डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, बिकॉज के आपको ये पता ही नहीं है कि बेस किस मकदार में और कितने टाइम तक यूज करनी है। अगर फंक्शन या ऑफिस टाइमिंग आपकी 3-4 आवर है, आपने उसको ओवरनाइट यूज किया तो आपकी स्किन प्रॉपर डैमेज हो जाएगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी डर्माटोलॉजिस्ट से पूछना है कि आपकी स्किन के लिए क्या सूटेबल है, उसको आपने कितनी देर तक यूज करना है, कितनी देर तक रखना है, और कितनी देर तक आपने इसको रिमूव करना है। बात दूसरी आ जाती है इंजेक्शन की। ग्लूटाथॉन जो है इंजेक्शन है, वो हर इंसान को पता है कि ये ग्लूटाथॉन हमारे अंदर भी है, और ये जो है काफी हमारे गंदे ज़रात के साथ लड़ता है। तो जब आप इसको डायरेक्ट यूज करवाते हैं, तो डायरेक्ट यूज करने से आपकी स्किन के कलर पे फर्क आता जरूर है, लेकिन सिर्फ उस टाइम जिस टाइम आप ये किसी डर्माटोलॉजिस्ट से यूज करवा रहे होते हैं। अगर आप इसको आप किसी पॉलर से या अपने घर में किसी से यूज करवाते हैं, तो उनको नहीं पता कि इसकी कितनी मकदार आपको यूज करवानी है। इसके भी सेक्शन होते हैं, और सेक्शन से पता चलता है कि कितनी कितने आपको इसको यूज करवाना है। जब आप इसको बहुत ज्यादा मकदार में ले लेते हैं, तो आपका कलर व्हाइट होने की बजाय आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स भरना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम
क्रिएट हो जाती हैं। तो मेरा सबको मशवरा ये है कि अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा जो है मेंटेन करने के लिए आपने सीरम्स यूज़ करने, और रात को सोने से पहले लिक्विड जो है सीरम आपने यूज़ करना है, वाटर बेस्ड सीरम यूज़ नहीं करना। डे में आप वाटर बेस्ड सीरम यूज़ कर सकते हैं, बट नाइट में आपने कोशिश करनी है कि लिक्विड जो है सीरम यूज़ करें वाइट। अच्छा, एक हमारा पाउडर है जिसका नाम है वाइट बूस्टिंग पाउडर। ये बहुत कम लोगों को इसका पता है, ये मेडिकेटेड है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने सीरम्स में ऐड करके। नाइट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने जो भी सॉप या जो भी आपने यूज़ करना है अपना फेस वॉश, तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि उसको यूज़ किस तरह से आपने करना है। अपर लेयर में उसको यूज़ करें, अच्छे तरीके से उसको यूज़ करें, क्लिनजिंग करें, उससे क्लिनजिंग करने की आप कोशिश करें। अपने सॉप में अपने जो है फेस वॉश में क्लिनजर होना चाहिए, स्क्रबिंग वाला यूज़ नहीं करना। वो होता है कि उसके साथ ही आप लोग जब फेस वॉश यूज़ करते हो, अक्सर लोग जो है वो स्क्रबिंग यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। रात को जब हम सोते हैं तकिए से, इधर तकिए से कहीं ना कहीं से आपको जर्म्स लग जाते हैं, बैक्टेरियाज होते हैं हर जगह, वो आपके फेस पे इंजेक्ट हुए होते हैं। जिस टाइम आप स्क्रबिंग करना स्टार्ट करते हैं तो ऑलरेडी आपके फेस में एंटर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको क्लिनजिंग की तरफ आना है सबसे पहले। और वीक में जस्ट टू टाइम जो है आपने टू डेज स्क्रबिंग करनी है, इससे ज़्यादा आपने अपने फेस पे स्क्रबिंग नहीं करनी। इससे आपकी लेयर फट जाती है, ब्रेक हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो अपनी स्किन को टाइट करने के लिए, अपनी स्किन को लाइट करने के लिए और अपनी स्किन को बूस्ट करने के लिए ये सब प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में अपनी डर्माटोलॉजिस्ट से रब्ता करके आपने परचेज करना है और उसके बाद इसको यूज़ करना है। आप देखेंगे कि कुछ अरसे में ही आपका जो है रिजल्ट कैसा आता है। 3 मंथ में एक अच्छा जो होता है वो 3 मंथ में आपको रिजल्ट मिल जाता है, ना कि 1 वीक में या 2 डेज में या 3 डेज में आप कहेंगे मेरा कलर व्हाइट हो जाए। ये मार्केटिंग क्रीम्स आपके स्किन को ख़राब कर देती हैं। 2-3 डेज में रंग गोरा करने वाली क्रीम कैसे आपको गोरा कर सकती हैं, वो आपको गोरा नहीं करेंगी। वो 3-4-5 हंड्रेड में आप गोरे नहीं हो सकते और ना ही आप ब्लीच से गोरे हो सकते हैं। आप गोरे हो सकते हैं 3-4 मंथ के पूरे प्रोसेस से, और वो आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। मेरा मकसद था आप लोगों की स्किन को ब्राइट करना, आप लोगों को बताना। अगर आप लोग अपनी स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पूछना चाहते हैं तो ओला डॉक पे मेरा जो है पूरी प्रोफाइल रेडी है, उस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मुझसे अपनी स्किन से अकॉर्डिंग कोई भी सवाल है, कोई कुछ भी पूछना चाहता है, कोई सीरम्स या कुछ भी, वो आपके फेस के जो होता है अकॉर्डिंग होता है। तो वो जैसे आप मुझसे बात करेंगे इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होगा और आपको जो है आपकी स्किन जो है आप खुद देखेंगे 3 मंथ के अंदर रिकवर हो जाएगी। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।